हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनएस लाइव पे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच खेले गए मैचों के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज आईपीएल 2023 के 36वें मुकाबले में आरसीबी का सामना केकेआर से था। ये मैच 26 अप्रैल 7:30 बजे शाम में बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था। गाइस, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने 201 रन का टारगेट रखा था। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे। जेसन रॉय और नारायण जगदीशन ने पहले विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी खेली। जेसन ने इस सीजन अपना लगातार दूसरा अर्धशतक 22 गेंदों में पूरा किया। यह उनका ओवरऑल आईपीएल का चौथा अर्धशतक रहा। गाइस, आपको बता दें कि 10वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने जगदीशन और जेसन दोनों को आउट किया। वैशाख ने पहले जगदीशन को डेविड विली के हाथों कैच कराया। जगदीशन 29 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन रॉय को क्लीन बोल्ड किया। जेसन 29 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 56 रन बना सके। गाइस, आपको बता दें कि सिराज और हर्षल ने नीतीश के 2 कैच छोड़े और इस मैच में उनको 2 जीवनदान मिला। उसके बाद कप्तान ने कैच गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 48 रन की पारी खेली। उसके बाद 18वें ओवर में वानिंदू हसरंगा ने नीतीश और वेंकटेश दोनों को पवेलियन भेज दिया। पहले वानिंदू ने नीतीश को वैशाख के हाथों कैच कराया, इसके बाद वेंकटेश को मैक्सवेल के हाथों कैच करा दिया। वेंकटेश 26 गेंदों में 3 चौके की मदद से 31 रन की पारी खेली। गाइस, इस मैच में रसेल एक बार फिर फेल हुए और 1 रन बनाकर सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। एंड गाइस, रिंकू सिंह 10 गेंदों में 18 और डेविड विज 3 गेंदों में 12 बनाकर नाबाद रहे। गाइस, आपको बता दें कि इस मैच में जेसन रॉय और नीतीश की तूफानी पारी देखने को मिली और इसी के साथ कोलकाता ने बेंगलोर को 201 रन का टारगेट दिया। उसके बाद 201 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने पारी की शुरुआत की और गाइस 31 रन के स्कोर पर आरसीबी को पहला बड़ा झटका लगा। सुयश शर्मा ने फाफ डु प्लेसिस को 17 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद 5वें ओवर की 4थी गेंद पर आरसीबी को एक और बड़ा झटका लगा। शहबाज अहमद सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। 58 रन के स्कोर पर आरसीबी को 3रा झटका लगा। ग्लेन मैक्सवेल 5 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आए बैटिंग करने के लिए आरसीबी के कार्यवाहक कप्तान विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और 50 रन दिया। कोहली ने 33 गेंदों में 6 चौकों की मदद से अपना 50 पूरा कर लिया। गाइस, आपको बता दें कि यह कोहली का इस सीजन 5वां 50 है। 12वें ओवर की 3री गेंद पर आरसीबी को 4था झटका लगा। महीपाल लोमरोर 18 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ आरसीबी को 5वां झटका भी लग गया। कोहली 37 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद प्रभुदेसाई रन आउट हुए। प्रभुदेसाई 10 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। वानिंदू हसरंगा 5 रन बनाकर रसेल की गेंद पर आउट हुए। गाइस, 8वें विकेट के रूप में दिनेश कार्तिक 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ आरसीबी की टीम 8 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी और ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से 21 रन से हार गई। गाइस, आपको बता दें कि केकेआर ने आरसीबी को 21 रन से हरा दिया। केकेआर की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 200 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में आरसीबी की टीम 8 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में केकेआर वर्सेज आरसीबी के बीच खेले गए मैचों की सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। गाइस, अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। एंड गाइस, आप लोग हमें सपोर्ट करें। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।